अब तो पास है, किस बात का करूं मैं इंतजार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। कई दिनों से ही तबीयत थोड़ी डाउन सी हो रही है मेरी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ। तो अब मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। आज कोई आने वाला है हमारे घर पे ये आपके लिए सरप्राइज है। देखते हैं कौन आने वाला है। तो मैं फटाफट पहले घर का काम करती हूँ। और देखिए बच्चे, एक बेटा मेरा नहा रहा है और एक बेटा मेरा स्टडी कर रहा है, क्योंकि कल से 3 तारीख है, कल 3 तारीख से उसका एग्ज़ाम है। सभी बच्चों के एग्ज़ाम है। ये मेरा आरुल, ये मेरा छोटा बेटा है, और बड़ा बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, अभी वो नहाने गया है। और अभी मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, फटाफट जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद टाइम आज ज़्यादा हो गया है। अभी मैं उठी हूँ, तो चलिए ठीक है। और दीपेश बेटा मेरा अभी ठीक है, थोड़ी तबीयत उसकी अभी काफ़ी अच्छी है, पहले से काफ़ी अच्छी है उसकी तबीयत। और अब की बार जब जाएंगे अलवर उसको डॉक्टर के पास लेके, तो शायद उसकी वो जो पाइप लगी हुई है उसके चेस्ट में इधर, तो वो हटा देंगे शायद। वो यहाँ पे नहीं है अभी, 2-3 दिन पहले उधर अपने घर में, जिसमें हम पहले के रहते थे ना, उस वाले घर में चले गए हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ड्यूटी पे गए हैं और हम घर पे तीनों अकेले हैं इतने बड़े घर में। और हम तीनों माँ बेटे, शुरू शुरू वाले दिन तो मुझे नींद भी नहीं आई थी यहाँ पे, क्योंकि अकेले थे ना, इसलिए कभी अकेले रहे नहीं ना। मकान बना है जब से, और अब तक हम हमेशा मैं मतलब पांच बच्चों के साथ ही गई हूँ। हाँ बेटी कभी कभार उसके पास चली जाती थी उधर वाले घर में, वो उधर सो जाती थी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है बिना बच्चों के। नेक्स्ट ईयर तो हमको फिर बाहर जाना होगा, तो हमें तो अकेले रहने की वैसे भी हमें आदत पड़ चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पे रहते हैं ना तो बच्चे नहीं होते हैं, तो गंदा लगता है, लगता है। अब चाहे कोई माने या ना माने, मैं अपनी बहन के बच्चों को अपना बच्चा मानती हूँ। मेरे, मैंने कभी ये नहीं कहा है मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ हमारे 5 बच्चे हैं। लेकिन सब नहीं, सब अपना अपना ही बताते हैं। ये जब तक ये तेरा मेरा ये फर्क नहीं मिटेगा, तब तक रिश्तों में ऐसे ही। जनता माफ नहीं करेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए भाई हमारे मेहमान आ चुके हैं, अब देखते हैं और कौन आ रहा है और कौन कौन आ रहा है। देखिए जो
हमारा सरप्राइज था वो आ चुका है। मेरी स्वीट स्वीट सिस्टर, बड़ी सिस्टर, नमस्ते जाजी। नमस्ते। ये बोलिए। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो? ये देखिए मेरी जाजी। बस 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 बस। तो उधर दीपेश तो परान से परान हो के जाओ उस पर। ये मेरे बेटे से मिलने के लिए पहले उधर जा रहे हैं, हमारे ओल्ड वाले घर में। इसमें ये देखिए और शैतान बच्चे ऐसे बुक ले लेके बैठ गए। देखो पढ़ाई करने के लिए देखते हैं एग्जाम में कितने नंबर मार्क्स आते हैं इनके। चलिए दोस्तों, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। कुछ पढ़ाई नहीं की अभी तो इसने, सुबह से सुबह की थी थोड़ी बहुत देर। ये देखिए ये मेरा जमूरा बेटा, देखो। हाय तो बोलो। हेलो करो दोनों। और मेरे जीजी और जियाजी गए हैं ग्वार तोड़ने के लिए, ग्वार की फली लेने के लिए। पकी हुई है क्या लेके आएंगे? देखो मैंने अपने गब्बर को तब बोला था ना, मेरा गब्बर अब काफी अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। देखो उसका घाव काफी भर चुका है, देखिए अब काफी ठीक है रबर। मेरे जीजी और जियाजी मेरे बेटे को मिलने के लिए आए थे दीपेश को, उसकी तबीयत खराब है, तब आज की छुट्टी है ना 2 अक्टूबर है, तो इसलिए आ गए। कल का एग्जाम है उसका, क्या तैयारी की है बेटा? अब बोलो यहाँ से कहाँ छुपोगे, बताओ आपकी तैयारी क्या है? है कुछ तैयारी आपके एग्जाम की? सारी है। और मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अभी 1-2 घंटे तो अभी ये भाण भाई तब आपस में मिल गए थे, तो अभी तो ये पढ़ाई की नहीं है इसने, तो अभी ये जाने के बाद करेगा पढ़ाई। क्या करता है, पढ़ाई करेगा या ऐसे ही मस्ती करेंगे, ये देखते हैं कैसे मार्क्स आएंगे आपको। चलिए दोस्तों, मेरे जीजी और जियाजी तभी आए नहीं है, उधर दूसरे घर है मेरे बेटे के पास, दीपेश के पास। चलो मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। बच्चों की मस्ती देख लो आप लोग, मेरे बच्चे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, सारे बहन भाई देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। देखो दोस्तों मेरे जीजी और जियाजी बैठे, मेरे जीजी देखो एक अकेली अकेली पी रही है, देखो देखो मेरे जियाजी भी खड़े बेचारे, ना उनको दे रही है और ना छोटी वाली सिस्टर को दे रही है अपनी को। और बच्चे कहाँ हैं? ये देखो बच्चे, बच्चे भी लग रहे हैं फ्रिज के पीछे। ये देखिए अभी हम मेरे जियाजी आ रहे, अब वापस जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइम रुक चुके हैं, कल ड्यूटी पे जाना है ना, तो इसलिए जा रहे हैं, वरना आज आज रुकते हमारे पास सुबह चले जाते, लेकिन सुबह ड्यूटी पे जाना है इनको, तो इसलिए जाना पड़ेगा इनको घर पे। और बच्चे उधर गए हैं हमारे दूसरे वाले घर में, मेरे बेटे के पास दीपेश के पास, तो अभी जियाजी को वहाँ तक सड़क पे गाड़ी खड़ी करके आए, क्योंकि हमारा रास्ता ख़राब है आपको पता है आप सबको, तो वहाँ पे हम छोड़ के आएंगे मेरे जियाजी को और जीजी को। ये देखिए ये सारे हमारे बच्चे, देखो आप, आपको दिखाती हूँ अपने सारे बच्चे। लेके आओ भाई, अपनी सब्जी की है पनीर के नीचे ली कचरी की हम कचरे चटनी रगड़ के रखा।
ऐसे मोमेंट बहुत कम मिलते हैं। वैसे अभी मेरे बेटा बीमार था इसलिए आए थे, लेकिन अभी मेरे बेटे की तबीयत काफी ठीक है। पानी पिला तो पिला बेटे से और मिलाती हूँ आपको, अभी रुको रुको भाई दी, बेटे से और मिलाऊ मेरे बेटा। बच्चे बताओ आपकी कैसी तबीयत है? ये मेरा बेटा अच्छी है। अब मेरे बेटा थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, फिर स्कूल जाएगा। मेरा बेटा भूरा हो गया, वैसे घर के अंदर रहता रहे तो भूरा हो गया। हाँ मैं छोड़ आऊ, प्यास लग रही है। पानी भी मेरे से भी किसी ने नहीं पूछा पानी पीने के लिए। मेरी आजी बहुत लाड़ प्यार करते हैं, देखो ऐसे। कोई नो टेंशन, आओ आओ देखो भाई हमारी सारी फौज आ रही है, देखिए देखिए हमारी फौज। हमारे सारे बच्चे ये तो बस इनको आपस में बहन भाई मिल जाते हैं तब ये किसी को नहीं समझते हैं। इनको चाहे कितना ही टाइम दो आप उतना कम है। और कल का मेरे बच्चों का एग्जाम है, लेकिन इनके बहन भाई आने के बाद इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। अब देखते हैं शाम के टाइम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता क्या तैयारी करेंगे ये, क्योंकि दिन तो निकल गया इनका। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये हर एक छोटी छोटी चीजें कैमरे में कैद करना, फिर उसको बाद में ये देखना एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। आइए जी, अच्छा वो इतनी दूर खड़ी करके आया क्या गाड़ी? हाँ खड़ी करके जी आज आप उस समय छाया थी उधर, वो नीचे की साइड आपको उतारनी चाहिए थी गाड़ी, उधर खड़ी कर देते, खड़ी करने की जगह थी और वहीं की वहीं बैक हो जाती गाड़ी। ये देखो मेरे जी आज गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि हमारा रास्ता बिल्कुल बेकार है, हम ही बड़ी मुश्किल से लेके आते अपनी गाड़ी। अब आ गए, देखो मेरी जी जी बाय कर रही है, मेरी जी जी जा रही है, बाय बाय कर रही है। ये देखिए किसिंग कर रही है। हाँ ये वाली तो नहीं है बेटा, ये वाली तो पहले भी की थी। ड्राइविंग सीट पे ये देखो मेरी जी जी ड्राइविंग सीट पे बैठ रही है। ये देखिए हमारे बच्चे सारे। ये वाला व्लॉग भाई अच्छा बनने वाला है, तो प्लीज दोस्तों अगर आप सब देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो बाय कर रहे मैं जी, आजी बाय कर। पापा जी डिग्गी खोल दो, क्या करना है? अरे तो ये ऐसे डिग्गी खोल दी, खोल दी बैठ लियो, मैंने तो बैठने दे लो, मैंने खोल ली बंद बंद कर दे। अरे खुल ली है, खुल ली भाई, मैंने फोन का एक लग ले रहा है। ठीक है जी, ठीक है।
बाय 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 ओके जी आजी बाय 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 गए हाय मेरे दोस्तों जा चुके हैं सब अब अम्मा बेटे रह गए हैं जब तक दिखे तब तक बाय करते जाओ ओके दोस्तों ये मेरा न्यू व्लॉग था और अगर आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा और अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ओके दोस्तों बाय ये हमारे खेत देख लो खेतों में रह रहे हैं जैसे ओके दोस्तों बाय मुझको अब है तेरे साथ याद आती है मुझे अपनी पहली